हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि माइक्रोवेव में किस प्रकार हम जो है पिज्जा बेस को सेक सकते हैं। तो ये पिज्जा बेस हमने बेल लिए है, अब हमें इसके अंदर फोर्क से होल करने हैं। ये हमने जो माइक्रोवेव सेफ क्रस्टी तवा है उसी पर बेल लिया है। तो आप जो है कॉर्नफ्लोर लगाकर भी इसको बेल सकते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्ट क्रस्टी प्लेट को ऑयल से ग्रीस करके हाथों की हेल्प से भी इसको इस पे फैला सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से फोर्क से इसमें होल कर देने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पिज्जा डो की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप जो है पिज्जा डो की जो है रेसिपी आप जो है ले सकते हैं। पिज्जा बेस को माइक्रोवेव में कुक करने के लिए हम कन्वेक्शन मोड जो है सेलेक्ट करेंगे। इसको हम जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेलेक्ट कर लेंगे, और सबसे पहले हम जो है माइक्रोवेव को स्टार्ट करके प्री हीट करेंगे। माइक्रोवेव हमारा स्टॉप हो गया है और ऑटोमेटिकली इसके अंदर 10 मिनट्स का अब बेकिंग टाइम जो है लग गया है। तो आफ्टर प्री हीटिंग इसमें 10 मिनट्स का टाइमर लग जाता है। डोर को ओपन करके हम इसमें अपने पिज्जा बेस को रख देंगे और इसे हम हाफ कुक करेंगे 10 मिनट्स तक। फ्रेंड्स, 5 मिनट्स हो गए हैं, अब हम ट्रे को बाहर निकाल के पिज्जा बेस को पलट देंगे। ट्रे को बाहर निकाल लेंगे, पिज्जा बेस को हमने पलट दिया है, अब हम इसे वापस माइक्रोवेव में रख देंगे और माइक्रोवेव को स्टार्ट कर देंगे। टेन मिनट्स हो गए हैं और हमारा पिज्जा बेस भी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा पिज्जा बेस रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अब आप इसको ठंडा करें और इसके बाद आप इसको रैप करके आप जो है फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप इसे हैंड टू हैंड बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट अब इसके ऊपर आप जो है टमाटो सॉस चीज वगैरह लगाकर आप इसे दोबारा से जो कन्वेक्शन मोड मैंने आपको बताया था 200 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर ही आप 10 मिनट्स बेक करके कोई भी आप पिज्जा बना सकते हैं। चाहे तो आप ओनियन, कैप्सिकम, मशरूम, कोई सा भी पिज्जा जो आप पसंद करते हैं आप वो इस तरह से इस पे बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।